तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज का जो विषय है दोस्तों वो है आपका भारत के राष्ट्र उद्यान और अभ्यारण्य। दोस्तों यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और आज जो है दोस्तों मैं आपके लिए टॉप 20 क्वेश्चंस लाया हूँ जो आपके एग्जाम में अधिकांश बार पूछे गए। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों। और पहला प्रश्न, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि भारतीय वनों में से किसमें से बाघ विलीन हो गए दोस्तों, तो यहाँ से जो है आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दोस्तों क्लियर है। अगली बात करते हैं, भारत के सभी जैव मंडलीय आरक्षण क्षेत्रों में से चार को यूनेस्को अवार्ड यानी कि यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में स्थान मिला है, तो इनमें से कौन सा एक नहीं है ये आपको बताना है दोस्तों। तो यहां से जो है आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। अब आपको ये बताना है कि ये कौन से राज्य में स्थित है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली बात करते हैं दोस्तों, चंद्रभागा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ से आपका जो है सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। कहाँ पर, जैसे कि आप देख भी पा रहे हैं ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए वाला। अगला दे रखा है दोस्तों कि किस राज्य में काजीरंगा वन्य जीव विहार स्थित है दोस्तों, तो काजीरंगा जो है आपका ये कहाँ पर है दोस्तों, तो असम राज्य में स्थित है। अगला है दोस्तों, रणथंभौर वन्य प्राणी अभ्यारण्य यह भारत के किस प्रदेश में है तथा किसके द्वारा किसके लिए दोस्तों प्रसिद्ध है, तो रणथंभौर से याद रखना है दोस्तों ये है राजस्थान और बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ से आपको याद रखना है। चलिए अगला है, नंदा देवी राष्ट्र उद्यान किस राज्य में स्थित है दोस्तों, तो यहाँ से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जैसे कि देख पा रहे हैं उत्तराखंड। क्लियर है। चलिए अगला है, बांदीपुर प्रोजेक्ट जो है दोस्तों, तो बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, तो यहाँ से आपका सही जवाब हो जाएगा कर्नाटक राज्य में। अगला है दोस्तों, प्रश्न नंबर 8 है कि हाथी किस राष्ट्र उद्यान में पाया जाता है दोस्तों, हाथी के लिए कौन सा राष्ट्र उद्यान जो यहाँ पर प्रसिद्ध है दोस्तों, तो यहाँ से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि नागरहोल। अगला है दोस्तों, कान्हा राष्ट्र उद्यान मध्य प्रदेश, देखिए यार ये तो आपका आंसर ही हो गया ना, कौन सा हो गया, मध्य प्रदेश में स्थित है, ध्यान रखिएगा कौन सा है दोस्तों, कान्हा राष्ट्र उद्यान। और कान्हा राष्ट्र उद्यान का दोस्तों क्षेत्रफल कितना है, 940 वर्ग किलोमीटर है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, मानस वन्य जीव अभ्यारण्य दोस्तों किस राज्य में स्थित है, ध्यान रखिएगा, तो मानस भी कहाँ है दोस्तों आपका, तो असम राज्य इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है, नोक्रेक जीव मंडल रिजर्व कहाँ स्थित है दोस्तों, तो नोक्रेक से याद रखिएगा, यहाँ से जो है आपका सही जवाब हो जाएगा मेघालय, कौन सा हो जाएगा दोस्तों, मेघालय। देखिए दोस्तों, जो भी साथी मध्य प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहा है, साथ में दोस्तों अभी आपकी अगले मंथ यानी कि 10 जनवरी से आपकी SSC GD की एग्ज़ाम है, तो यहाँ से दोस्तों जो भी बच्चा आपकी तैयारी कर रहा है वो यहाँ से आप आकर जो है दोस्तों प्रैक्टिस कर सकते हैं। और लक्ष्य फिजिकल एकेडमी का दोस्तों ध्यान रखिएगा, लक्ष्य फिजिकल एकेडमी के बैच चल रहे हैं दोस्तों, दो बैच चल रहा है दोस्तों ध्यान रखिएगा, और दोनों बैच यानी कि सुबह और शाम को चल रहा है दोस्तों, और दोनों ही जो है आपके सुबह और शाम को चल रहा है, और दोनों समय जो है दोस्तों आपकी जो गणित की क्लास है, दो दो घंटे की आपकी गणित की क्लास लग रही है स्पेशल, और प्लस आपका दोस्तों याद रखिएगा शनिवार और आपका दोस्तों रविवार ये आपका प्रैक्टिस सेशन होता है। भरमार प्रश्न में आपके यहाँ पर दोस्तों क्या कराने वाला हूँ, प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। क्लियर, तो क्लास जरूर ज्वाइन करिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आपके डाचिंगम वन्य अभ्यारण्य जो है दोस्तों वो जो है भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये आपको दोस्तों याद रखना है। ठीक है, तो ये किस राज्य में स्थित है ध्यान रखिएगा दोस्तों, तो ये है आपका जो यहाँ से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि जम्मू कश्मीर। अगला है दोस्तों के निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत दोस्तों नहीं आता है, कौन सा है दोस्तों कि प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर दोस्तों नहीं आता है, तो यहां से जो है दोस्तों सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, माफ़ कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, कौन सा हो जाएगा, बांधवगढ़। क्लियर है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा, बांधवगढ़। कान्हा किस लिए मध्य प्रदेश में पड़ता है दोस्तों, तो यहाँ से आ जाएगा आपको मध्य प्रदेश, ये शामिल किया गया है। रणथंभौर दोस्तों आप याद रखिएगा राजस्थान में, और जिम कार्बेट जो है दोस्तों आपका ये कहाँ पर है, असम में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कौन सा है, जिम कार्बेट नेशनल पार्क दोस्तों याद रखिएगा। ठीक है, क्या नाम है, जिम कार्बेट। अब आपके लिए प्रश्न है दोस्तों कि जिम कार्बेट जो नाम है दोस्तों ये इसका किस वर्ष रखा गया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, किस वर्ष नाम जो है जिम कार्बेट नेशनल पार्क नाम जो है ये रखा गया था दोस्तों, क्योंकि इससे पहले भी इसका एक नाम था दोस्तों। ठीक है, तो वो भी आपको यहाँ पर बताना है। चलिए अगला है, भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है दोस्तों, तो अभ्यारण्य की बात कर रहा है दोस्तों, ध्यान रखिएगा यहाँ पर राष्ट्र उद्यान की बात नहीं कर रहा है, राष्ट्र उद्यान की बात नहीं कर रहा है दोस्तों, ये बात कर रहा है आपके अभ्यारण्य की, तो सही जवाब हो जाएगा नागार्जुन यानी कि आंध्र प्रदेश। ठीक है, अच्छा बाघ अभ्यारण्य रिजर्व, ठीक है ठीक है ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से सही जवाब हो जाएगा आपका कार्बेट। ठीक है ना, तो थोड़ा सा करेक्शन करिए। अगला दे रखा है, गिर के शेरों को रखे जाने हेतु किस राष्ट्रीय अभ्यारण्य या उद्यान का चयन किया गया, तो गिर के लिए दोस्तों आप जानते हैं पालनपुर यानी कि दोस्तों कुनो, और ये पड़ता है दोस्तों आपका कौन से जिले में, तो श्योपुर जिले में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बब्बर एशियाई शेरों को यहाँ पर लाया जा रहा है।
केवलादेव घाना पक्षी विहार कहाँ स्थित है दोस्तों? तो यहाँ से जो है आपका सही जवाब हो जाएगा भरतपुर राजस्थान। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? भरतपुर राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी। अगला दोस्तों, सरिस्का पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो यहाँ से सही जवाब हो जाएगा आपका कौन सा? राजस्थान। कौन सा? राजस्थान। देखिए दोस्तों, राजस्थान में तीन है, तीन तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना दोस्तों, सरिस्का ध्यान रखिए। कौन सा है दोस्तों? सरिस्का। दूसरा है केवलादेव दोस्तों, याद रखिएगा। और तीसरा कौन सा है दोस्तों? मोस्ट फेमस है आपका रणथंबोर। कौन सा है दोस्तों? रणथंबोर, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ये तीन तो याद रखना है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस बाघ संरक्षण स्थल से ही बाघों का लुप्त रूप से अदृश्य की खबर है दोस्तों? तो यहाँ से जो है आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ से सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सरिस्का दोस्तों। तो जानते कहाँ पड़ता है? तो राजस्थान में पड़ता है दोस्तों। एक बार वो प्रश्न देखें दोस्तों, प्रश्न आपका अच्छा है, ठीक है, और RRB एग्जाम में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस बाघ संरक्षण स्थल से हाल ही में बाघों का गुप्त रूप से अदृश्य होने की खबर आई है दोस्तों? ध्यान रखिएगा कि यहाँ से जो है, जो बाघ है वो क्या हो गए यहाँ से दोस्तों? अदृश्य हो चुके हैं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कौन सा दोस्तों? सरिस्का। अगला है जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कहाँ है? तो यहाँ से आपका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए? तो जिम कार्बेट जो आपका है दोस्तों, वो कहाँ है आपका, ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड में। कहाँ है दोस्तों? उत्तराखंड में। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों, वो कहाँ पर पड़ता है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो दोस्तों, वो पड़ता है आपका उत्तर प्रदेश में। कहाँ पड़ता है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में। क्लियर है, चलिए। तो ये दोस्तों आपके कुछ टॉप 20 क्वेश्चंस थे, और एक बार और मैं आपके यहाँ पर मिलान करवा देता हूँ दोस्तों कि सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य जो, ठीक है, ये वाला हो गया दोस्तों। चलिए, तो यहाँ से दोस्तों आपके टॉप 20 क्वेश्चंस क्या थे दोस्तों, आज के जो है आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों। अच्छा लगा हो तो अपना स्टेटस लगाए, आगे तक पहुँचाएँ, और चैनल को सब दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके मोटिवेशन से दोस्तों मैं मोटिवेट होता हूँ और अच्छे वीडियोज़ बना के लाता हूँ। जल्द मिलेंगे कल अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।